नमस्कार दोस्तों, आज क्यों नहीं। कबीर दास जी ने कहा है कि काम करे सो आज कर, आज करे सो कल, कल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इन बातों में जीवन का निचोड़ है, आज ही क्यों नहीं। दोस्तों, हमें आज का काम आज ही कर देना चाहिए, कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान में जीने की कोशिश करें, कल के ऊपर काम ना छोड़ें। बीते हुए कल को भुलाकर भविष्य की चिंता न करके वर्तमान में अपना कर्म करते अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। आज इसी को समझाने के लिए मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है आज ही क्यों नहीं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास रहता था। दोनों में बहुत प्यार था। शिष्य अपने गुरु जी का बहुत सम्मान करता था। गुरु जी भी शिष्य को बहुत स्नेह करते थे। लेकिन शिष्य आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसे अपने अध्ययन की चिंता नहीं थी। इससे उसके गुरुजी हमेशा उसकी चिंता में लगे रहते थे, उसके आलस को कैसे दूर भगाया जाए ताकि उसका वर्तमान, उसका आने वाला जीवन दुख में ना हो। गुरुजी को यह चिंता हमेशा सताती रहती थी। गुरुजी को लगता था कि कहीं उनका शिष्य जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए, क्योंकि आलस व्यक्ति का घोर शत्रु होता है। आलस जीवन को नरक बना देता है, जीवन की सारी सुख सुविधाएं छीन लेता है, जीवन को नीरस बना देता है। ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत के फल की कामना करता है, शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता है, अगर ले भी लेता है तो उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाता है। गुरुजी मन ही मन में वो अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक काला सुंदर पत्थर लिया और अपने शिष्य के हाथ में रखते हुए कहा कि मैं कहीं जा रहा हूं, ये जादुई पत्थर है, किसी भी लोहे की चीज को स्पर्श करोगे तो वो सोने की हो जाएगी। अब मैं 2 दिन बाद आऊंगा, तुम चाहो तो उसका उपयोग कर लेना, 2 दिन बाद आपको कोई वक्त नहीं मिलेगा। गुरुजी चले गए। लड़का बहुत खुश था कि अब वो धनवान होगा, नौकर चाकर होंगे और ऐस आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार लेगा। पहला दिन इसी सपने में बीत गया, इसी उमंग में बीत गया। उस आलसी ने कुछ किया नहीं। अब उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा था। उस दिन वो भागा भागा बाजार गया, बाजार से लोहे की छड़ी और सामान और लोहे की चीजें ले आया ताकि उस पत्थर को उस पर छुआ सके और सोना बना सके। लाकर रख दिया। लड़की ने सोचा थोड़ा आराम कर लूं, खाना खा लूं, उसके बाद 2 मिनट का ही तो काम है, इसे छुआना ही तो है, छुआ दूंगा सब कुछ सोने का हो जाएगा और मैं धनवान बन जाऊंगा। लड़के ने भोजन करने का निर्णय लिया। भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी। जब वो आराम करने लगा तो उसकी आंखें लग गई, उसे नींद आ गई, और जब उसकी आंख खुली तो सूर्यास्त हो चुका था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि सूर्यास्त के बाद ये पत्थर काम नहीं करेगा। लड़का बहुत दुखी हुआ, अपने कर्मों पर पछताने लगा। लड़का समझ गया कि आलस ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। खैर, गुरुजी आ गए। तब उसने हाथ जोड़कर गुरुजी से 1 दिन के लिए पत्थर अपने पास रखने की और इजाजत मांगी। गुरुजी ने इनकार कर दिया, क्योंकि गुरुजी तो उसे सीख देना चाहते थे। उस लड़के ने उसी दिन से निश्चय किया कि वो अब वो आलस नहीं करेगा, अपना काम आज का काम आज ही करेगा, जीवन को अमूल्य बनाएगा। ये सीख देने की बात है। उन गुरु जी ने उस शिष्य का जीवन बचा लिया था, उसको जो सीख मिली थी उससे उसका जीवन अमूल्य बन गया था। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है और आप भी आलस को अपनाते हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आलस से दूर रहें। आलस से कुछ नहीं रखा, आपका झस्ता खेलता जीवन बर्बाद हो सकता है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।